उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत की बढ़ी दर के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के निकट विरोध प्रदर्शन कर विद्युत बिलों को जलाया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। हालांकि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर साइलेंट जोन के अंतर्गत आता है, जहां किसी भी दल या संगठन को नारेबाजी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर सतीश शुक्ला, अनुराग पांडे, अश्वनी जायसवाल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजेश पांडे ने बताया, जला दीजिए ना, जला दीजिए, जला दीजिए, फाड़ने का आह्वान। चलिए ठीक है, इधर सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए, ही दूर आप ही को ज्यादा समस्या क्या कैसा विरोध किया? ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत मूल्य वृद्धि इतना भयंकर कर दिया है, एक तो महंगाई की मार, इसके बाद GST, नोटबंदी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है केवल प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। जब तक निकाय चुनाव था तब तक मूल्य वृद्धि का कोई भी जो है ऐसा घोषणा नहीं किया गया, और जैसे ही निकाय चुनाव खत्म हुआ है ऐसे ही प्रदेश की जनता के ऊपर विद्युत मूल्य वृद्धि करके एक बहुत बड़ा भार डाला गया है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर और इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रही है, और हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि मूल्य वृद्धि को सरकार को आदेश करें कि मूल्य वृद्धि विद्युत का जो है तुरंत वापस लिया जाए, और अन्यथा आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। किस तरह का आप लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया? आज हम लोगों का सांकेतिक विद्युत बिल को जो है फाड़ कर और जला करके सांकेतिक विरोध किया जा रहा है, और अभी जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे कि वह सरकार को आदेशित करें कि जो विद्युत मूल्य वृद्धि किया गया है इसको तत्काल प्रभाव से वापस लें। क्या नाम है? राजेश पांडे, जिला संगठन समिति। सरकार मुर्दाबाद, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, विद्युत बढ़ोतरी वापस करो, विद्युत बढ़ोतरी वापस करो, विद्युत बढ़ोतरी वापस करो, मेरी मांगे पूरी करो।